नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। सो गाइज, आज मैं पार्लर में आई हूँ अपना मेकअप करवाने के लिए, क्योंकि आजकल जो हीरा मंडी वाली मूवी है ना, वो बहुत फेमस चली, और मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैं भी एक लुक निकाल कर वीडियो बना लूँ। सो गाइज, मैं आपको पहले नहीं दिखा पाई कि किस तरह मैंने बाल बुल धोए, किस तरह मैं आई, पर अब धो बैठे तो अब दिखाऊंगी। सो गाइज, आज मेरे ब्लॉग में बने रहना और देखना आज मेरा हीरा मंडी का लुक। तो बाल वगैरह मैंने धो ली है, अब बस आगे की प्रोसेस आपके सामने होंगे। गाइस, मैं बहुत हैप्पी हूँ, बता नहीं सकती कितनी हैप्पी हूँ। सो गाइस, आप देख सकते हैं ये हमारे दीदी जी, अब ये मेरे बाल सुखाने का अपना कार्य शुरू करने वाले हैं, और मैं देख रही हूँ शीशे में कि कैसे लग रहे हैं बाल, और ये इन्होंने हेयर ड्रायर से शुरू कर दिया अपना काम। अब जल्द ही सूख जाएंगे मेरे बाल। गाइस, मैं एक्साइटेड हूँ, पर थोड़ी मैं टेंशन में भी हूँ। पता क्या, मैं टेंशन में हूँ यार कि ड्रेस कैसी होगी। मतलब मैं पतली हूँ ना गाइस, तो मुझे ये टेंशन है कि कहीं ड्रेस वैसे अलग हुई तो मुझे आई ना, तो बस इसी टेंशन में ना मैं बैठी हुई हूँ। बट चलो, कोई नहीं, देखा जाएगा। फिलहाल अभी बाल सूख जाए वो बहुत बड़ी बात होगी। तो गाइस, आप देख सकते हैं मेरी दीदी जी कितनी मेहनत कर रही है, पूरी मेहनत से लगी हुई है, और मैं अभी महारानी की तरफ बैठी हुई हूँ। आह, क्या फीलिंग आ रही है। सो गाइज, फाइनली आप देख सकते हैं मेरे बाल सूख चुके हैं। वाह यार, बिल्कुल स्ट्रेट लग रहे हैं, बट अभी स्ट्रेट नहीं किए, हाँ सिर्फ स्ट्रेट की तरह लग रहे हैं। चलो गाइज, आपको मैं अब अंदर लेके चलती हूँ। तो गाइज देखो, आप ये सेटअप किया उन्होंने स्टेज का, और ये शीशे में हमारे मुन्ना भाई और शिवाली जी देखो कैसे खुश है। और गाइज, अब मेरे बालों का स्टाइल शुरू होने वाला है, तो मैं जा रही हूँ अपने बालों को अलग लुक देने। सो गाइस, आप देख सकते हैं दीदी जी फिर से स्टार्ट हो चुके, नहीं ये पहली बार दीदी ने, दूसरे दिए, और देखो मेरे बालों में क्या लगा दिया इन्होंने। तो अब ये पहले स्ट्रेट करने वाले हैं मेरे बालों, फिर वाओ गाइस देखो आप कितने अच्छे हो गए ना मेरे बाल, है ना बिल्कुल सरप्राइजिंग। और गाइस, अब मेकअप स्टार्ट। आपको बता दूं, मैंने वीडियो फास्ट की है, पता क्यों यार, इतनी 10 मिनट का था ये कॉल लेता, तो आप देख सकते हैं मैं तो भाई हंसती रहती हूँ 24 घंटे, और मैं इनको भी हंसा रही थी अपनी बातों से, और ये हंस भी रहे थे। अब आप देखो मेरा मेकअप स्टार्ट हो चुका है, फीलिंग ऐसी आ रही है, भगवान पता नहीं कैसा होगा मेकअप। और आपको बता दो, ड्रेस जो मुझे मिली हुई है ना, कलर तो वैसे अच्छा है, बट मेरे को फिट नहीं आ रहा था उसका ब्लाउज, तो मैंने उसको टाइट किया वहाँ से, सभी लड़कियों ने मेरी हेल्प भी की, बट विश कि मुझ पर मेकअप अच्छा लगे। और वाओ, आंटी जी इतने अच्छे से मेकअप कर रहे हैं, बता नहीं सकती, बिल्कुल रिलैक्स फील भाई। इस टाइम पता कैसी फीलिंग आती है कि यार मैं जो हूँ तो मैं हूँ, बाकी पता नहीं कौन क्या है। और आंटी जी पूरी मेहनत के साथ, भाई गाइस आप लोग देख सकते हैं कि पार्लर वाले कितनी मेहनत करते हैं, फिर बोलते हैं कि पार्लर वाले पैसे ज़्यादा लेते हैं, लेंगे नहीं, इतनी मेहनत होती है, देखो वाला बार 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 बेचारे लगे हुए हैं। वैसे यार मुझ पर ज़्यादा ही वर्क होगा क्योंकि मैं सुंदर नहीं हूँ ना। तो चलो, अब आंटी जी को उनकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा, आई विश कि मैं अच्छी लगूँ, बाकी भगवान जी जाने। और देखो आप, आंटी जी ने अभी ब्लशर भी किया, मुझे बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि यार मैं कहीं की महारानी हूँ और बिल्कुल आराम से कुछ बैठी हुई हूँ। गाइस, आपको मैं बता नहीं सकती मैं कितनी अंदर अंदर से खुश थी, पर हाँ मैं सैड भी थी। पता सैड क्यों थी? मैं सैड इसलिए थी क्योंकि लहंगा मेरे को बड़ा लंबा था मैं सोच रही थी यार मैं उसमें चलने की वीडियो कैसे बनाऊंगी, बोले सोचा यार चलो परे छोड़, जैसे तैसे मैं बना लूँगी। तो अभी आंटी जी पूरी मेहनत के साथ लगे हुए, इन्होंने मेरी आईब्रो भी बना दी, और अब जल्दी ही जल्दी मेरा मेकअप बिल्कुल तैयार हो गया, और ये देख सकते हैं मेरा मेकअप हो चुका है तैयार। सो गाइज, देख सकते हैं आप मेरा मेकअप ऐसा हुआ है, अभी तक मैं पूरी तरह तैयार नहीं हुई हूँ, हाँ ऐसे नहीं कि वीडियो स्किप कर दी, बिल्कुल नहीं गाइज, अभी तक गहने पहने मैंने, औरत का श्रृंगार। तो गाइज आप देख सकते हैं कि मेकअप करके मेरा लुक ऐसा लग रहा था, बट अभी तक क्लियरली नहीं, हाँ ये सिर्फ मुंह का मेकअप हुआ है, बाकी अभी तक मैंने ज्वेलरी पहनी है, पूरे ड्रेस। सो गाइज, ये है मेरी लुक। गाइज बताइए कमेंट करके आपको कैसी लगी। तो आज की मेरी लुक ये है, और आंटी ने मुझे बहुत प्यार से तैयार किया, आप देख सकते हैं मैं कैसी लग रही हूँ। अब मुझे कमेंट में बता दीजिए कि आपको मैं कैसी लग रही हूँ, और वीडियो अच्छी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए।